तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के स्टॉक लेकर के आ गए हैं आपके पास, या ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक बोल करके चल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ना इलेक्ट्रिक व्हीकल में कामकाज कर रही है और NSE BSE में लिस्टेड है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो स्मॉल कैप स्टॉक है, 7,602 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। करंट पर चल रहा है 926 का हाई लगा चुका, 968 का लो है, 374 रुपये का स्टॉक पी के हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा नहीं महंगा है, 116 इनका स्टॉक पी और 102 है बुक वैल्यू। कंपनी डिविडेंड एल प्रोवाइड करती है 0.04% का ROC है, 13% ROE, 8% फेस वैल्यू 4 रुपये की, प्रमोटर 50% की होल्डिंग है, डेप्ट 0.16 एनुअली प्रॉफिट है 66 करोड़ का, डेप्ट 134 करोड़ और रिटर्न ऑन इक्विटी 8.11%, इंडस्ट्री पी 86, फ्री कैश फ्लो 53 करोड़ है कंपनी के पास, EPS 7.99 7.99 रुपये का इनके पास EPS है, फ्री कैश फ्लो 53 करोड़, 5,50,000 का है। प्राइस परसेंटेज अगर देखें तो कंपनी के प्रमोटर की तरफ से 1% की होल्डिंग की भी नहीं रखा गया है। अगर हम लोग बात करें प्रोस की, तो प्रोस के अंदर क्या देखेंगे, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंपनी अच्छा रिजल्ट ला करके देगी। सेकेंड लाइन है, कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 49.1% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, तो लास्ट 5 ईयर में 49% का गुड प्रॉफिट ग्रोथ दे रही कंपनी। अगर हम लोग चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ तो देखेंगे क्या मार्च वाले क्वार्टर में, मार्च 2023 में 50 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, दिसंबर में 35 करोड़ का आया, सितंबर में 20 करोड़ का और जून में 36 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया कंपनी के पास। कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखला रही है क्वार्टरली, अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के आ रही है। अगर हम देखें तो 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी को मार्च वाले क्वार्टर में, दिसंबर में 15, सितंबर में 7 और जून में 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया कंपनी के पास, तो प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिलेगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस याली बेस पे चेकआउट करें, 2023 में 141 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 2022 में 85 करोड़ का, 2021 में 20 करोड़ का, 2020 में 5 करोड़ का है, 2019 में लॉस में चली गई थी कंपनी। तो कंपनी लगातार इंक्रीज करती हुई दिखला रही है प्रॉफिट। और अगर हम लोग कंपनी के सेल्स देखें तो कंपनी का सेल्स 2020 में 201 करोड़ का हुआ करता था, 2021 में 281 करोड़ का इंक्रीज कर होकर के हो गया, 2022 में इंक्रीज होकर के यही सेल्स 593 करोड़ का हुआ, 2023 में इंक्रीज 593 से सीधा 1,091 करोड़ का इनके पास सेल्स आने लगा। तो कंपनी के पास जब अगर सेल्स आए तो कंपनी यार इस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखलाएगी, वही चीज़ हो रहा है कंपनी के साथ। नेट प्रॉफिट की बात करें, 2023 में 67 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2022 में 35, 2021 में 8, 2020 में 14 करोड़ का सेल्स नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास। तो नेट प्रॉफिट हर साल इंक्रीज होता हुआ आपको मिलेगा। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी 2022 से डिविडेंड देना स्टार्ट की है और 9-10% के अंडर में कंपनी डिविडेंड पे आउट करती रहती है, कभी 9 कभी 5% का डिविडेंड पे आउट करती है। अगर हम लोग बात करें कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की, तो 10 साल में 32%, 5 साल में 47%, 3 साल में 76%, TTM में 84% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 41%, 5 साल में 49%, 3 साल में 200%, TTM में 78% कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें, 10 साल में 57%, 5 साल में 42%, 3 साल में 140% और 1 साल में 64% स्टॉक प्राइस CAGR। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की हम लोग बात करें, 10 साल में 3%, 5 साल में 3%, 3 साल में 5%, लास्ट ईयर 8% रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी के पास। अगर हम लोग चेकआउट करें बैलेंस शीट कंपनी के, तो इनके पास रिजर्व देखने के लिए मिलेगा 807 करोड़ का, वहीं कर्ज है 134 करोड़ के, और ये रिजर्व हर साल इंक्रीज होता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम लोग कर्ज की बात करें तो कर्ज छोटे मोटे कंपनी के पास रहते हैं। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो 121 करोड़ का हुआ करता था 2022 में, 2023 का भी शो नहीं कर रहा और 2022 में 7 करोड़ का इनके पास नेट कैश फ्लो भी था, तो इस हिसाब से तो कंपनी डेट फ्री है। नहीं, डेट फ्री कैसे, डेट फ्री के करीब में है, ठीक है, डेट फ्री है नहीं लेकिन डेट फ्री के करीब में, क्योंकि 134 करोड़ का इनके पास कर्ज है और 121 करोड़ का इनके पास कैश फ्लो है, तो कंपनी डेट फ्री के करीब है। कैश फ्लो की हम लोग बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, 2023 में 50.02% की होल्डिंग है और
वही होल्डिंग है, FIs के पास 9% की है, DIs के पास होल्डिंग है नहीं, 40% की होल्डिंग है पब्लिक के पास, तो अच्छा खासा होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और FIs के पास भी होल्डिंग इंक्रीज हो रही लगातार। अगर हम देखेंगे पब्लिक के अंदर इंडिविजुअल की होल्डिंग है कि नहीं है, उससे पहले बता दें अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर के आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप स्टॉक और एंजल उन दोनों का लिंक दिया गया है, तो लिंक के थ्रू जाइए, डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और आप भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करके चल सकते हैं। तो इंडिविजुअल की होल्डिंग ना के बराबर है, बहुत कम है। इस स्टॉक का नाम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, सो प्राइमरली एंगेज इन द बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्पोजाइट पॉलीमर इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिक बसेस कंपनी तैयार करती है, और ये रजिस्टर्ड है, इनके रजिस्टर्ड ऑफिस है हैदराबाद के अंदर, रजिस्टर्ड है ये कंपनी। तो हमने टाइम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये शेयर पैटर्न ओपन कर रखा है, और कुछ महीनों के अंदर देख सकते हो ये कंपनी 378 के प्राइस से 928 के प्राइस तक गया, टच किया, ठीक है। तो जब ये स्टॉक इस रेंज में था उस दौरान भी हमने अपडेट्स दिए थे आपको, ठीक है। इस स्टॉक के ऊपर बहुत पहले से हमारी कवरेज रही है, तो ये स्टॉक यहाँ भी हमने वीडियो अपडेट किए थे, बना करके अपडेट दिए थे आपको, और यहाँ भी अपडेट दिया गया था। अगर आपने बाय किया हो तो अच्छा बात है, मतलब आपके भी पोर्टफोलियो के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिख रहा होगा। 382 रुपये की प्राइस तक ये स्टॉक नीचे गया था, अगर इस लेवल से हम देखें तो कंपनी ने 153% का रिटर्न बना करके दे दिया। दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी प्रॉफिट दिख रहा हो तो उस दौरान आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी करना क्या है यार, प्रॉफिट बुकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों क्या होता है ना, लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर प्रॉफिट तो दिखते हैं, लेकिन ये भी दिखते हैं कि नहीं कंपनी और भी अच्छा रिटर्न बना करके दे सकती है, लेकिन उससे पहले ये नहीं दिखता कंपनी 50 बार नीचे आएगी तो 102 बार ऊपर जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इस लेवल पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते, प्रॉफिट बुकिंग इन द सेंस अपनी कैपिटल बस निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न बनाया है और स्टॉक पी हो गया महंगा, तो इस हिसाब से अगर स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग करते हो आप, प्रॉफिट बुकिंग इन द सेंस अगर आप अपना कैपिटल निकालते हैं और स्टॉक इस्तीफाक से यहाँ आ जाती है, ठीक है, और यहाँ आता है, और देखो ये स्टॉक ना फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखला सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप कैपिटल निकालते हैं उस दौरान अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो क्या होगा, अगर कैपिटल नहीं निकालते उस दौरान नीचे आता है तो कॉस्ट कॉस्ट में आ जाएगा, अगर कैपिटल निकालते तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो जाएंगे प्लस आपके पास प्रॉफिट वाले स्टॉक बचे हुए रहेंगे। तो जब स्टॉक नीचे आता है उस दौरान आप री एंट्री करके चल सकते हैं स्टॉक के अंदर, और दोबारा से आप पैसे इन्वेस्टमेंट मतलब कमा करके चल सकते हैं, अच्छे पैसे बना सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। तो इस तरह से कामकाज किया जा सकता है। अभी करंटली मैं इस स्टॉक के अंदर देखो जो स्टॉक भाग गया रहता है ना उस स्टॉक के अंदर एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की होता है। अभी स्टॉक पी के हिसाब से अगर हम देखें, अभी स्टॉक पी देख सकते हैं कितना, 116 है स्टॉक पी के हिसाब से, ये स्टॉक अभी भी महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो मिलते हैं इस वीडियो में दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया जा रहा ना कि बाय और सेल करने के लिए, अगर आपको एंट्री करना हो तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके चल सकते हैं।